एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनसी के बाद आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, डीएनसी के बाद आपको जिस दिन आपकी डीएनसी हुई है उस दिन या फिर नेक्स्ट दिन आपको डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं, हॉस्पिटल से आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या खाना है जिससे कि आपकी रिकवरी जो है सही से हो सके, क्योंकि इस टाइम पे जाहिर सी बात है आपका ब्लड लॉस हुआ होता है अच्छी खासी मात्रा में। तो आपको ब्लड की भरपाई करने के लिए सही डाइट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके शरीर की रिकवरी सही से हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको किस तरह की डाइट लेनी है जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छे से हो सके और कोई भी प्रॉब्लम इन्फेक्शन वगैरह आप में ना हो। और कुछ लेडीजें 2-3 महीने बाद जो है एक्चुअल में प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहती हैं, बच्चा चाहती हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन उनके शरीर में सही रहेगा और पूरी तरीके से वो फिट होंगी, तो तभी वो अच्छे से एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाएंगी। फिर डीएनसी के बाद जैसे ही आपको जिस दिन डिस्चार्ज किया है, यानी कि आज डीएनसी हुई तो आज शाम को सपोज दैट आपको डिस्चार्ज कर दिया या फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया, तो उस केस में आपको एक दिन तक पतला खाना लेना है। यानी कि पतला खाना कहने का मतलब मेरा जो है आपको लिक्विड डाइट लेनी है, जैसे पतली दाल हो गई, पतली खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई पतली, इस तरीके से आपको खाना लेना है। वो क्यों? क्योंकि आपको एनेस्थीजिया लगा होता है सुन्न करने के लिए, तो उस केस में उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, रिएक्शन ना हो, तो उस वजह से आपको थोड़ा पतला खाना खाना है। दूसरा, आपको आयरन रिच फूड ज़रूर लेना है, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड लॉस अच्छा खासा हो जाता है और कुछ लेडीजों का तो पहले से ही हीमोग्लोबिन कम होता है और डीएनसी के चलते और भी कम हो जाता है, तो उसके चलते आपको एनीमिया का शिकार होना पड़ता है या फिर काफ़ी कम आपके शरीर में ब्लड हो जाता है, तो इसके चलते चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपको आयरन रिच फूड लेना है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, और इसके अलावा आपको सेब लेना है, अनार लेना है, ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें कि आयरन भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि आपका जो आयरन की कमी हुई है शरीर में वो अच्छे से पूरी हो सके और आपका हीमोग्लोबिन जल्दी से जल्दी बढ़ सके। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा, आपको विटामिन सी वाली चीज़ें ज़रूर लेनी है इसके साथ ही साथ, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और हमारे शरीर में आयरन की पूर्ति होती है। तो इसलिए विटामिन सी, जैसे विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक मौसमी हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें जिनमें कि विटामिन सी पाया जाता है, जिससे कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने बताया, आपको पहले दिन तो पतला खाना लेना है, जैसे दलिया हो गई, दाल हो गई और खिचड़ी हो गई, आपको ये लेना है। दूसरे दिन से आपको जो है आप घर का बना हुआ खाना, जैसे जो नॉर्मल आप डेली बनाते थे, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होगी। पूरी सही से आप डाइट लीजिए जिससे कि आप जल्दी रिकवर कर पाएँ। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक ज़रूर करें और इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लेडीजों को इससे हेल्प हो। चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। और भी कोई क्वेरी है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।